Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और आज की वीडियो का स्टार्ट मैं ले रही हूँ तकरीबन 3-4 बजे की गर्मी में. Assalamualaikum, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक हो ना? खुश हो ना? और गर्मी से मेरे मियाँ जी की हालत भी आप लोग देख ही लीजिए, बेचारा कितनी बुरी हालत हो रही है गर्मी से. तो भाई जी, अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि आज है एक बंदे की बर्थडे. वो आप लोगों को पता चल गया होगा या आगे जाके पता चल ही जाएगा, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं. तो चले उसे, फातिमा को नीचे छोड़ा है. ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है हम लोगों के लिए. फातिमा को आज छोड़ के जा रहे हैं. वैसे मैं और उजैर जब साथ जाते हैं तो उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाते, लेकिन आज हम लोग छोड़ के जा रहे हैं. पता नहीं क्या करने वाली है वो लड़की. दोनों में से कौन सा पसंद आ रहा है? ये ब्लू है और ये इसकी क्या प्राइस है? A few moments later. आती मैंने सबसे पहले सोचा है खाने चला दूं पकने के लिए, क्योंकि भाई सब अफ्तारी में टाइम बहुत ही कम रह गया. अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का, तो मतलब 1-1.5 घंटा है तब तक मेरा खाना जो है वो बन के रेडी हो जाएगा. और आज मैं खाने में बना रही हूँ भिंडी, जो फातिमा को बिल्कुल भी नहीं पसंद. तो आज फातिमा की तो जान जाने वाली है खाना खाने के वक्त. फातिमा, मामा आज भिंडी बना रही है. नहीं, ये बनाओ. क्या खाओगी? एग का सालन बना दो. वाह, दिमाग मेरा जगह पे नहीं है कि 2-2 सालन बनाऊंगी मैं. चुप हो जाओ, भिंडी खाओगी. जी, मैंने खाना तो पकने के लिए चढ़ा दिया है और अभी फिलहाल मेरे घर की हालत को इग्नोर करिए, बल्कि इग्नोर नहीं करिए, आप लोगों को सही से दिखा. मेरे घर की हालत ये हो रखी है, पूरे घर की हालत, क्योंकि कल हम लोगों को, जैसे आप लोगों को पता होगा, कल हम लोग गए थे सी साइड. और वहां से आने के मैं इतना कुछ थक गई थी कि मुझसे ना बिल्कुल भी कोई काम नहीं हो सका. और ये सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे यहाँ पे रखी हुई है. जाने की एक्साइटमेंट में ना बंदा फौरन जल्दी जल्दी सब कुछ पैक कर लेता है, लेकिन असल पता चलता है वापस आने के बाद, जब आपको सब सामान अनपैक करना होता है, वापस अपनी जगह पे लगाना होता है. मेरा ना पूरा घर रेत रेत हो रहा है. मेरे पाँव में हर जगह में सिर्फ रेत 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 हो रही है, बहुत ही ज़्यादा रेत. मुझे लगता है सी साइड ना हमारे घर में ही बन गया. खैर, बातें कम करती हूँ. सबसे पहले तो ये सब कपड़े जो रस्सी में मेरे हो जाए, फातिमा हम तीनों के कल पहनने वाले डले हुए, इन्हें अलग टप में भिगोती हूँ. और पीछे से मेरी एक भी प्लेट जो है वो किचन में नहीं है, सारी उसमें है. प्लेट्स निकालती हूँ और बैग खाली करती हूँ. और ये सब काम मुझे अवतार से पहले पहले करने हैं, क्योंकि अभी 6 जो है वो बच चुके हैं ऑलरेडी. हमारी ये बेचारी चटाई तो जैसे निकली है वैसे की वैसे बेचारी रुल के जा रही है वापस रखने के लिए, क्योंकि इसको हम लोग घर पे भूल के चले गए थे. अब क्या कर सकते हैं, वापस इसको इसकी जगह पर रख दो. और ना मेरी सबसे ज्यादा जान जाती है बर्तन धोने से, और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बर्तन, खास तौर पे रेत से भरे हुए बर्तन धोने पर. तो अभी सब मुझे धोने हैं. उफ, तो अल्लाह का नाम लेती हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के धो लेती हूँ. इतना बोलने से क्या फायदा, धोने तो मुझे ही है ना. तो भाई, अब मुझे जाके सुकून मिला है. मेरा पूरा घर जो है वो अच्छे से साफ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह. और अब हो गया है अफ्तारी का टाइम, तो मैं जा रही हूँ नीचे. तुम भी आ जाना थोड़ी देर में नीचे. ठीक, इतना वो गुस्से वाला, ठीक है, ऐसे अफ्तारी में आना ही नहीं है इस बंदे को. ठीक है भाई, अपनी मर्जी से आ जाना. मैं तो जा रही हूँ अफ्तारी में, क्योंकि नीचे मामा बुला रही हैं. अफ्तार में टाइम सिर्फ कितना रह गया है, 6:30 हो गया, तो मतलब 10-15 मिनट रह गए. चल, माशाल्लाह, मैं जैसे ही नीचे पहुँची हूँ, यहाँ पे तो पूरा दस्तरखान ऑलरेडी मामा ने डेकोरेट कर दिया है. नहीं, मामा ने नहीं, अरीशा ने किया, आई थिंक. ये क्या है? ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए फ्रिज में रख रही हूँ. यार, अच्छा, आज वो भी बने हैं दाल के पकौड़े. हाँ, उजैर को पसंद है. वाह भाई, आज तो मामा जी को चूल्हे पे खाना बना रही है. हाँ बेटा, चूल्हा खराब हो गया था तो फिर नया चूल्हा निकाल दिया. वाह वाह मामा, ये तो सही है. अच्छा, अभी आज मैंने दाल वाले पकोड़े बनाए. आज वो वाले नहीं बनाए? नहीं, आलू वाले और पालक वाले दो. पालक वाले बनाती लेकिन अब टाइम नहीं है. सही है ना, एक बन गया तो दोनों बनाना जरूरी. तो आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट, कल संडे है, कल वो बना लाएंगे. इधर आओ, ऐसे बस मुंह कवर करके खड़ी हुई है. कुछ बोल भी लो मैडम. मैं बोली हूँ किसी एंगल से मेरा फेस नहीं, फेस अगर आ भी गया तो मैं स्टिकर लगा देती हूँ. टेंशन नहीं लो तुम. अरे मामा, एक चीज तो मैं भूल ही गई. हैप्पी बर्थडे मामा. थैंक यू. आज आपकी बर्थडे है ना. हैप्पी बर्थडे मामा. अल्लाह आपको और 100 साल की उम्र दे. नहीं, ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही हर रमजान में रहे, हर साल हम लोग के साथ ईद गुजारे और ऐसे ही हंसी खुशी. आमीन बोल दो. ये मेरा आखिरी बर्थडे है. हाँ नहीं मामा, अल्लाह ना करे.
अरे हाँ भाई, जिसकी भी घर में बर्थडे हो, किसी को काटना है। बहुत ज्यादा रोजा लग रहा है फवाद। हाँ फवाद, बहुत रोजा लग रहा है। और शिविल तुम्हें भी? ओए अभी लोजा तार नहीं हुआ था, पानी पी लिया। आपको लोजा नहीं था। जहर कैसा लगा आज का दस्तरखान? यार कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दो मामा। देखो आज तुम्हारे लिए इसमें कुछ स्पेशल बनाई है, ढूंढो क्या बनाई है। नहीं इसके अलावा। अरे यार ये बनाई है दाल के पकौड़े, तुम्हें पसंद है ना, ये बनाई है हम। आज ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। जी दाल के कपूरे। पिकनिक पर जाने के साइड इफेक्ट्स ये हैं कि चेहरे का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। चेहरे को देख लीजिए और हाथों को देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। आते बेटा चुप हो जाइए प्लीज। तो अभी इसका हल एक ही है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और बहुत ही अजीब सी स्किन हो गई है कल सी साइड के पानी की वजह से, समंदर के पानी के से, वहाँ का पानी थोड़ा नमकीन होता है। तो अभी मुझे जाना है नीचे। नीचे यहाँ पे मामा ने कुछ पौधे रखे हुए, इनमें एलोवेरा का पौधा मुझे ढूंढना है और एलोवेरा तोड़ती हूँ ताकि अपने फेस पे लगा सकूँ, स्किन थोड़ी सी ताकि सेट हो जाए। और यहाँ कितना अंधेरे, चलिए बैक कवर करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, यहाँ से तो उतरते वक्त भी मुझे डर ही लगता है। बस मिल जाए एलोवेरा, वरना मामा ने कल ही ये सारे पौधों की छाटी की है यहाँ पे से, जो टूट गए थे ख़राब हो गए थे वो सब हटाए हैं। बस ये रहा एलोवेरा मिल गया, शुक्र 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 है एलोवेरा। ये रहा और ये रहा, दो जगह पे है। तो अभी मुझे तो इसको काटना नहीं आता, मामा को बोलती मामा मुझे इसमें से काट कर देंगी। चलो भाई वापस ऊपर चलते हैं, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे खड़ी हुई है, इससे पहले कि अल्लाह ना करे ये मेरे पीछे आ जाए और खुद को चोट लगा ले और मेरा काम बढ़ा दे। चलो अंदर चलो बेटा, अंधेरा हो रहा है, चलो अंदर चलो। तो जी मैंने मामा को बोल दिया है, मामा मुझे एलोवेरा कट करके दे देंगे। अभी मामा थोड़ा सा बिजी है, जब फ्री होंगी तब करके देंगी। उससे पहले मुझे जो फ्रेश होना है, क्योंकि ना मेरी हालत इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं। फातर बट्टा छोड़िए बेटा, क्योंकि मेरा पूरा ड्रेस जो है वो रेत रेत हो रहा है पूरा घर साफ करने की वजह से। तो मुझे इसलिए ड्रेस चेंज करने की बहुत ज़्यादा नीड है। बस जल्दी से एक ड्रेस निकालती हूँ और चेंज करती हूँ और उसके बाद खाना निकालूंगी, क्योंकि अब मुझे लग रही है भूख। तो जी फाइनली मैंने चेंज कर लिया है ड्रेस और मैं ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा यार, बहुत सुकून मिल गया। और आज मैंने रोजेर ने ट्विनिंग की है हम दोनों ने। देखो ट्विनिंग नहीं है ये, तुम्हारा कलर अलग है मेरा कलर अलग। कैसे अलग है? देखो ग्रीन है ना, ग्रीन होने से मकसद है, तुम्हारा नहीं। भी ग्रीन मेरा भी ग्रीन। तुम्हारा वो 14 अगस्त वाला ग्रीन है, ये है आर्मी ग्रीन कलर। नहीं तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कमांडो हो और मैं वो जो उधर क्या है बॉर्डर पे वो परेड करते हैं वो हूँ? नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। फिर चल बंद कर व्लॉग। यार इतनी इज्जत थोड़ी कोई किसी की करता है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा व्लॉग बंद करूं या कंटिन्यू करूं। कंटिन्यू करो। तुम्हारे साथ मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। नहीं बना। नहीं बनाओ? हाँ तुम तो भाग जाओगे, तुम ये तो यही बोलते हैं, नहीं बनाओ अकेले बनाओ, मुझे नहीं लो व्लॉग में। हाँ उज़ैर मुझे तुमसे ना एक काम था। उज़ैर ये ना इस रिमोट की ना बैटरी खत्म हो गई है, कल जब वो मैं एलईडी चला रही थी ना बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, तो इसकी बैटरी ले आना, क्योंकि जब तक ये नहीं चलेगा मैं तुम्हें कैसे कंट्रोल करूंगी। अब आया मजा, ले लिया मैंने अपना बदला तुमसे। इसकी बैटरी वैसे वाकई खत्म हो गई है, ले आना। तुम्हारा और मेरा ड्रेस सेम सेम हो गया, देखो तुमने चेंज कर लिया, अब तो सेम सेम हो गया ना, अब तो नहीं बोलोगे ना कि तुम्हारा वो वाला ग्रीन है। फातिमा जल रही है। अभी आपको भी चेंज करवा देती हूँ, आप भी ग्रीन पहनोगे, आपको भी ग्रीन पहना देती हूँ। फातिमा जल रही है। यार मेरी बेटी को ऐसे नहीं बोलो, मेरा बच्चा मेरा गुड्डा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल मिलती हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। मामा के बर्थडे का व्लॉग मैंने इसके साथ अटैच नहीं किया, क्योंकि वो मुझे नहीं पता मैं अभी रिकॉर्ड करूँगी या नहीं, और अगर रिकॉर्ड करूँगी तो वो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।